हेलो जी प्रणाम कहिए। नमस्कार स्वामी रामदेव जी। जी मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी कहिए कहिए, नमस्ते। कह रहे हैं कि हमारे माता जी को यूटीआई का प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा 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 उनका उनका यूरिया क्रेटिनाइन जो है थोड़ा बढ़ गया है। यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ गया है, कितना है यूरिया जी क्रेटिनाइन? यूरिया 60 के नियर अबाउट है और क्रेटिनाइन 1.78 के आसपास है। बहुत बढ़ और गया है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन का भी कुछ आया है रिपोर्ट देखो आप सुनिए, जी। कपालभाति अनुलोम विलोम तो उनको आराम से करवाना। एक हमारा वृक्क दोषर क्वाथ आता है, दोनों टाइम वो पी लेंगे, जी 2 चम्मच काढ़ा ले लेंगे और करीब 400 ग्राम पानी में पकाइए, 85 ग्राम बच जाए तब छान करके पिला दीजिए। ये वृक्क दोष हर क्वाथ, जी सुबह नीम के पत्तों का रस और शाम को पीपल के ताजा पत्तों का रस मिल जाए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। मैंने देखा इसका जबरदस्त लाभ होता है। जी और बाकी औषधियां चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुगुल एक एक ले जी सकते हैं, बाकी वैद्य जी से भी एक बार सलाह कर लेना, उनकी आयु अवस्था देख करके उसमें थोड़ा हेर फेर होगा, कुछ बदलाव होगा तो बता देंगे। बाकी चंद्र जी प्रभावटी और गोक्षुरादि गुगुल एक एक गोली, और कपालभाति अनुलोम विलोम करने से एकदम से जो किडनी की सक्रियता है धीरे धीरे, जी कपालभाति अनुलोम विलोम इसके जी करने से 2 चीज़ें एक साथ होंगी, एक तो क्रिएटिनिन लेवल कम होगा, यूरिया कम होगा और हीमोग्लोबिन भी जी किडनी के पेशेंटों का कम हो जाता है। आपकी माँ का जी भी शायद आपने देखा होगा, हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा और उनको चेहरा जैसे थोड़ा मटमैला हो जाता है और कमजोरी लगने लगती है, वो चलने में चक्कर जैसे भी आने लगते हैं इस स्थिति में। तो इस और उनको कफ का भी अस्थमा का भी प्रॉब्लम है हाँ तो कफ अस्थमा का भी प्रॉब्लम है, तो उनको जी। ये जो वृक्क दोषर क्वाथ मैंने कहा उसमें थोड़ा गिलोय भी साथ में पिला दीजिए, तो गिलोय किडनी में भी फायदा करती है और ये कफ एकदम से उनका कंट्रोल हो जाएगा। तो इतना करेंगे और हाथ में ये पॉइंट है, छोटी अंगुली के यहाँ दबाइए और यहाँ दबाइए, ये 5-5 मिनट आराम आराम से, पहले दिन तो 2-2 मिनट कीजिए, फिर धीरे धीरे 5-5 मिनट दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कर सकते हैं, ये जबरदस्त लाभ करता है। कई बार मैंने इसके संदर्भ में बताया, ये किडनी के लिए है, फिर ये हार्ट के लिए है, ये आँखों के लिए, कान के लिए, ये आँख के लिए, यहाँ ये जो है गले के लिए, थायराइड के लिए, ये सब पॉइंट, यहाँ पेट के लिए, ये सब पॉइंट, एक्यूप्रेशर जो है ये किडनी के लिए ज़रूर दबाया करें, ये भी अपने आप में बहुत अद्भुत लाभ करता है। जी समस्याएं तो रहती हैं लेकिन उनका समाधान भी यदि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो हमने देखा है जिन लोगों के 12-12 तक क्रिएटिनिन थे उनको भी हमने नॉर्मल किया और किडनी के ऑपरेशन से उनको बचाया। तो आपकी माताजी के लिए भी हमारी बहुत प्रार्थना है, जो बताया उसको श्रद्धापूर्वक करना, इसके 8-10 दिनों में रिजल्ट आने लगे।